झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के गिरते हुए ग्राफ पर कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया, ठीक उसी दिन नीट का रिजल्ट भी आया। दोनों ही परिणाम में भारतीय जनता पार्टी देश की जनता और विद्यार्थियों के साथ धोखा किए हैं और कुछ इस तरीके से देश के नौ निहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में जहां भाजपा का शासन रहा वहां पर नीट की परीक्षा पत्र लीक हो जाती है, इसकी पुष्टि वहां की पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए ग्रेस मार्क्स देकर विद्यार्थियों को पास कराती है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। एक एक पेपर 30 लाख से लेकर 1-1 करोड़ में बेचा गया। ये पूरा तस्वीर साफ करता है कि किस पैमाने पर सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग और उनके जो संपोषित दलाल गैंग, खासकर जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन्होंने किस क्वांटम में इस काम को करने का काम, और ये सभी लोगों का लिंक कहीं ना कहीं गुजरात या राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहर के स्टेट के लोग नहीं। कौन देगा ये जवाब? एनटीए ने कहा, हमने ग्रेस मार्क दिया था।